2024 के लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने और हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस ने कार्टून सीरीज के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से कार्टून जारी कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। मेरे तुम्हारे बीच एक दीवार है जो बहुत ऊंची है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो तुमको कभी सत्ता नहीं दिलाएगा। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं उसका अंजाम चाहे जो हो, लेकिन जिस रास्ते पे आप देश को ले जा रहे हैं उसका अंजाम बुरा ही होता है मोदी जी। राहुल, मैं 2 बार पीएम बन चुका हूं। जानते हो पीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है? बोलोगे तुम इतना झूठ? मेरे उसूल, मेरे आदर्श इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श क्या दिया है इन उसूलों ने? तुम अपने सारे उसूलों को मिलाकर भी मुझे रोक नहीं सकते। ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है। लोगों को डराकर उनकी जुबान बंद कर दी है। ये आपका डर ही है कि जब जब अडानी की बात होती है आप देश का ध्यान उधर से भटकाकर एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, आपके अहंकार का अंत होगा। सत्ता और दोस्ती ऐसे ही चलती है। ये देखो, ये वही मैं हूँ, ये वही तुम हो। आज मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, पीएम की कुर्सी है, क्या है तुम्हारे पास? आपके साथ एक दोस्त है, मेरे साथ पूरा देश है।